अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पैन फ्राइड चॉप्स, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती हैं ये। तो ये मैंने लिया है, 1 किलो चॉप्स लिए हैं, और ये लहसुन है साबुत, जो कि इसको मैं कूटूंगी, तो कूटने के बाद ये 1 टेबल स्पून फुल निकलेगा। ये 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है साबुत, 1 नींबू का रस है, 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है, 2 टेबल स्पून भरकर मैंने कच्चे पपीते का पेस्ट लिया है। इसकी जगह आप कोई भी मीट टेंडराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है, ये 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक काट के रखी हैं। पाउडर्ड मसालों में मैंने 1 टीस्पून जीरे का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून फुल मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है, और 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। इसकी जगह आप थाइम, ड्राइड थाइम भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। सबसे पहले ये करेंगे कि ये लहसुन और काली मिर्च और ये हरी मिर्च जो है, इसको हम कूट लेंगे, और कूट के इसको तैयार कर लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। अब ये मसाला जो है ये तैयार हो गया, और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे चॉप्स को। तो ये आप कोई बड़ा बोल ले लें जिसमें मैरिनेट करना है। ये मैंने 2 टेबल स्पून तेल लिया है, ऑलिव ऑयल हो तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। ये जितने सारे मसाले हैं ये सब हम इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इनको। कच्चा पपीता, लेमन जूस, सोया सॉस, ये सारे मसाले पाउडर्ड, इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मसाले में नमक चख लें, वैसे तो अभी ज़रा तेज़ लगेगा नमक। अब इस मसाले में हम चॉप्स डाल लेंगे, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं रखूंगी 2 घंटे के लिए कम से कम, क्योंकि पपीता को काम करने के लिए ज़रा टाइम चाहिए होता है। और 2 घंटे के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। खूब हाथों से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब ये मसाला अच्छी तरह से मैंने इसमें लगा दिया, और इसको मैं कवर करके रख रही हूँ फ्रिज में 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के बाद इसको हम फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। अब चॉप्स हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई 2 घंटे, और मैंने ये ग्रिल पैन लिया है, इस पर मैंने थोड़ा सा तेल डाल के गरम कर लिया है, और इसके ऊपर अब हम रखेंगे चॉप्स। अब ये इसको मैं रख रही हूँ मीडियम टू लो हीट के ऊपर, बिल्कुल रखूँगी, और इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें। मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में, और चेक कर लें कि गोश्त गला कि नहीं गला, और अगर नहीं गले तो उसको थोड़ी देर के लिए आप ढाँक के बिल्कुल सिमर के ऊपर रख दें, तो ये अच्छी तरह से गल जाएगा। अभी दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये 10 मिनट से भी कम में हो गई हैं, और ये काफ़ी अच्छी गल गई हैं कच्चे पपीते की वजह से। बस ये दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से सिक गई, और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी मसाला चॉप्स बिल्कुल तैयार हैं। इसको आप बकरीद के ऊपर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसके अलावा भी चॉप्स की और भी रेसिपीज़ हैं जो मेरे प्लेलिस्ट के ऊपर डली हुई हैं बकरीद स्पेशल में, उसमें और भी चीज़ें हैं, आप ज़रूर उसमें देखिएगा। कलेजी की रेसिपीज़ भी हैं, और इंशाल्लाह बकरीद के बाद भी मैं अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ डालती रहूँगी इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।